शुरू हो चुका है। चुनाव आने से पहले ही राजनीतिक माहौल बन जाता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर देती है। वैसे ही राजस्थान में भी चुनाव है। चुनाव होने से पहले ही यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही है। यहाँ पर चुनाव होगा, चुनाव में एक नया चेहरा ही सामने आएगा या पुराना चेहरा ही बना रहेगा, ये तो चुनाव की बात और जनता के वोटों के आधार पर ही तय करता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या तीसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी लगा लीजिए, चाहे आप कोई भी पार्टी लगा लीजिए, कोई ना कोई यहाँ पर ज़रूर आएगा और ये चुनावों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। चुनाव से पहले ही वो अपने प्रति नरमी दिखाने लगती है। दूसरी पार्टी के नेताओं, अध्यक्ष, मंत्री, विधायकों के प्रति वो इतने सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि उनसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। ये सिर्फ चुनाव के दौरान ही देखा जाता है, क्योंकि चुनाव के दौरान देखा जाता है एक पार्टी दूसरी पार्टी में शामिल होती है। वहीं पर यहाँ पर एक बयान सामने आ रहा है, एक अध्यक्ष का बयान सामने आ रहा है, जहाँ पर उन्होंने कांग्रेस की तारीफ की है और कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की भी पोल खोल दी है कि उनकी पार्टी में कहीं ना कहीं कमी है, जिस वजह से वे दूसरी पार्टी के नेताओं को अच्छा बता रहे हैं, दूसरी पार्टी के मंत्री विधायकों को अच्छा बता रहे हैं ताकि वो अपनी पार्टी में उन्हें लेके आ सके। यही एक मुद्दा है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर एक अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी में कहीं ना कहीं कमी जाहिर करी है, कहीं ना कहीं कमी जाहिर करते हुए उन्होंने बयान दिया है कि सचिन पायलट बहुत अच्छे हैं और सचिन पायलट चाहें तो वो हमारी पार्टी में आके शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि सतीश पुनिया जिन्होंने एक बयान जारी किया है कि कांग्रेस में काफ़ी नेता हैं जो उन्हें बहुत पसंद हैं और वो उनकी तारीफ भी करते हैं, ऐसे ही सचिन पायलट भी हैं जो वो उन्हें पसंद करते हैं। आपको बता दें उन्होंने अपने बयान में जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसा होता है कि विरासत की राजनीति है, ऐसा होता है कि वो मिलते हैं जुलते हैं, विरासत की राजनीति चलती रहती है। और इनकी मुलाकात सचिन पायलट से 2018 में भी हुई थी, उनकी मुलाकात एक मंच पर हुई थी जहां दोनों ने मंच साझा किया था, बातचीत की थी और काफ़ी आपस में तालमेल देखा गया था उन दोनों का। इस बात पे भी काफ़ी कयासें लगाने शुरू हो गई कि ऐसी क्या बात है कि सचिन पायलट और सतीश पुनिया आपस में इतने नरम दिल दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर बेशक उन्होंने नकार दिया हो कि राजनीतिक पहलू से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक मंच साझा करना और बातचीत करना कहीं ना कहीं इशारा ही देता है कि या तो वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं या तो वो सचिन पायलट को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में कोई एक मजबूत चेहरा उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए सचिन पायलट को काफ़ी पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि राजस्थान की तो परंपरा ही है, यहाँ पर दुश्मन के घाव भी सराहे जाते हैं और उन्हें पसंद भी किया जाता है और उन्हें भूला भी जाता है उनकी दुश्मनी को, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट के भाजपा में आने की मुझे उम्मीदें लग रही हैं। उनका कहना है कि सचिन पायलट चाहें तो वो भाजपा को शामिल कर सकते हैं, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। अब आपको बता दें कि उन्होंने यहाँ पर काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में सिर्फ सचिन पायलट ही नहीं है, काफ़ी पुराने ऐसे नेता हैं जिन्हें वो काफ़ी पसंद करते हैं और यही पसंद कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को दिखाती है कि उनके लिए अभी कांग्रेस की छवि काफ़ी साफ है और भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं कमी है, जिस वजह से वो कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं और सचिन पायलट को अपनी पार्टी में शामिल करने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या कांग्रेस का साथ यूं ही देते रहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।